वेलकम टू मी ड्यूटी गाइस। इंटरनेट के ऊपर जो सॉलिड इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर स्टडीज पड़ी हैं वो है 71 स्टडीज। लेस देन 10 स्टडीज औरतों के ऊपर हुई है, सारी की सारी स्टडीज आदमियों के ऊपर हुई है। और जिन औरतों के ऊपर हुई है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, उनके हार्मोन्स बैलेंस थे, एज ग्रुप यंग था। फास्टिंग आपकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस होता है। जब आप बॉडी पे स्ट्रेस डालते हो, बाकी सब चीजें बैलेंस होती है, तो स्ट्रेस मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्गर। बट इट्स अ वेरी फाइन लाइन। जब आप ओवरडू करते हो स्ट्रेस को, तो आपकी बॉडी पहली चीज क्या करती है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। एंड अगर ये बढ़ता जाए तो आपके फर्टिलिटी साइकिल को शट डाउन करती है। शरीर को नहीं पता है कि 24 कमर क्या है, फ्लैट बेली क्या है, मसल मास क्या है। औरत के शरीर की हेल्थ सबसे पहले उसके फर्टिलिटी साइकिल से जानी जाती है। इसीलिए बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड आईवी टू कंसीव इज वन ऑफ द वर्स्ट मेडिकल इंटरवेंशन। क्यों? आईवी से बच्चा तो हो गया, बट औरत का शरीर उसके बारे में क्या? वो अपना फर्टिलिटी साइकिल बंद कर चुका था। वी कैन नॉट टेल आवर बॉडी टू बी शट अप। Anyways, this video is about वो fine line क्या है, आपने क्या symptoms देखने हैं, कैसे आपने slowly start करना है, कब back off करना है, कब rest देनी है। मैं आज की video में आपको यही बताऊंगी। और अगर आपको video पसंद आया, इस video को जरूर share करना। आपको क्योंकि पलक अगर ये stress है तो करना ही क्यों है, क्योंकि fasting is magical, especially for anti-aging. बहुत सारे फायदे हैं। One of your biggest thing other than weight loss, balancing your blood sugar is skin tightening. आपके cholesterol levels better होते हैं। Autophagy मतलब self death of bad cells. Bad cells अपने आप मर रहे हैं। एक बार body को आदत पड़ जाए fasting की, आपके energy levels better हो जाते हैं। It's totally worth it. अगर आप इसका इनिशियल फेस निकाल लो, जो इनिशियल फेस होता है फास्टिंग का, उसमें इंसान को भूख लगती है, एंग्जाइटी होती है, रैपिड हार्ट बीट होती है, इरिटेबिलिटी होती है, कई बार तो नींद नहीं आती है, दैट्स ओके। ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं, बट हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है और अगर आपको फास्टिंग स्टार्ट करनी है, हाउ यू गोना स्टार्ट इज विद फैट फास्टिंग। मॉर्निंग के टाइम पे आप फैट लोगे, 80% फैट with 20% of protein. इसका फायदा क्या है? आपकी बॉडी सीख जाती है फैट से एनर्जी निकालना। जब हम रियल फास्टिंग करेंगे और कुछ नहीं खाएंगे, आपकी बॉडी कहेगी, अरे मुझे तो आता है फैट से एनर्जी निकालना, लेट मी टैप इनटू बॉडी फैट स्टोर्स। जब आप फैट फास्टिंग करते हो, आपको फास्टिंग के सारे बेनिफिट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, स्किन टाइटनिंग होती है, बस जो वेट लॉस है वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू आपने कुछ भी ना खाया हो। फैट फास्टिंग दिखती कैसे है? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, आप अभी कितने घंटे भूखे रहते हो, मतलब आपका डिनर और आपकी ब्रेकफास्ट में कितने घंटे का टाइम है? 11 घंटे का टाइम है। लेट्स स्टार्ट विद 13 आवर्स। लेकिन आप सुबह उठ के चाय पियोगे, चाय के साथ बिस्किट या रस नहीं खाओगे। आप क्या खाओगे? चाय के अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लोगे और साथ में मुट्ठी भर नट्स खा सकते हो। अगर आपको फास्टिंग के और थोड़े से बेनिफिट्स चाहिए, तो जो मैं करती हूँ, मैं कॉफी के अंदर एक चम्मच घी, मलाई या बटर डाल के उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, जिसको फैट कॉफी कहते हैं। उससे क्या है, अगर आपने नट्स खाए हैं, आपको एक डेढ़ घंटे में भूख लग जाएगी। अगर आपने सिर्फ फैट खाया तो 3 घंटे तक भूख नहीं लगती है, इससे आपका फैट लॉस होता है। बट इस फेस में हम बॉडी को सिर्फ सिखा रहे हैं कि फैट से एनर्जी कैसे निकालनी है। अभी मैं जब दुबई से इंडिया आई, मैंने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया था दुबई में। मैंने सोचा फ्लाइट 1 बजे है, 12 बजे कुछ एयरपोर्ट पे खा लूंगी, बट देन आई वॉज नॉट हंग्री, बिकॉज 2-3 घंटे के बाद माई बॉडी नोज हाउ टू गेट एनर्जी फ्रॉम फैट। माई एनर्जी लेवल्स वर स्काई रॉकेट। फिर मैंने अगले दिन ही खाया। बट इतनी एग्रेसिव फास्टिंग जनरली मैं 2 हफ्ते में एक बार करती हूँ। जैसे जैसे आदत बढ़ जाएगी, हफ्ते में एक बार हो जाएगी। दूसरा फायदा है फैट फास्टिंग का, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे। आपके जो पीरियड्स का अगर फ्लो बहुत हैवी है वो ठीक हो जाएगा। बट साथ में आपको लेना है लिवर डिटॉक्स एंड एस्ट्रोजन बैलेंस का सप्लीमेंट। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, वो लोग फैट को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्ट फैट का सप्लीमेंट लेंगे। धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। जब आपने सिर्फ फैट खाया होगा तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि गुड़गुड़ की आवाज नहीं करनी है, इरिटेबिलिटी नहीं करनी है, एंग्जाइटी नहीं करनी है, पैनिक मोड में नहीं जाना है, फैट मिल गया है,
बस तुझे ऑटोफेजी पे ध्यान देना है, गंदे स्किन के सेल्स, गंदे हार्ट के सेल्स सब झड़ रहे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल डिटॉक्स। मैं मॉर्निंग में जब फैट फास्ट करती हूँ, कॉफी के अंदर फैट डाल लेती हूँ, साथ में 3 एग येलोस का ऑमलेट ले लेती हूँ। एग व्हाइट्स नहीं, वो अगेन आपको इंसुलिन स्पाइक देंगे। एग येलोस के बाद उसके ऊपर बटर डाल देती हूँ, फिर एग येलोस के अंदर कोकोनट पाउडर डाल के मैं पैनकेक बना लेती हूँ विद लिटिल बिट ऑफ सिनेमन, ताकि ब्लड शुगर रेगुलेट रहे। आपको हफ्ते में एक बार फैट फास्टिंग करनी है। जब आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी तब आप एक्सपेरिमेंट करोगे 13 की जगह 16 आवर्स तक भूखे रहना। यू कैन टेक फैट। आई डू ऑल्टरनेट डे फैट फास्टिंग। इट्स जस्ट मेक मी मोर हैप्पियर। हर इंसान अपना फास्टिंग अपने हिसाब से कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकफास्ट मिस करना आसान होता है, कुछ लोगों के लिए डिनर मिस करना आसान होता है। अब देखिए आपको क्या चीज सूट कर रही है। रिसर्च ये शो करती है जब आपने 15 घंटे तक नहीं खाया होता है, 15 घंटे बाद जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जो कि आपकी बॉडी का जवानी का हार्मोन है, वो 110% बूस्ट होता है। फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे कि आपने फैट फास्टिंग करी और फैट फास्टिंग के अंदर आप आधे पौने घंटे की वॉक करके आओगे। सो इट्स रियली वन लेयर ऑन द टॉप ऑफ टू लेयर एंड थर्ड लेयर। और जहां पे आपको लगता है कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट बैक ऑफ। एक बहुत बड़ी चीज है हमारी कम्युनिटी, ये वंडर वुमन कम्युनिटी। ऊपर आपको फॉर्म मिल जाएगा, अगर आप वो फॉर्म फिल कर दोगे वहां पे कम्युनिटी के जो एडमिन्स है वो लोग आपको प्लान भेजते हैं कि आज इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, आज वन मील अ डे करो। आपके पास सपोर्ट ग्रुप है कि यार मुझसे हो नहीं रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने अपनी फास्टिंग को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना है, यू कैन गो अप टू वन डे। बट जब पहली बार आप वन डे वाली फास्टिंग करोगे, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहेंगे, कई बार हो सकता है कि रात को नींद भी ना आए। तो ऐसे केस में क्या करना है, रात को सोने से पहले मुट्ठी भर नट्स खा के सो जाओ। इट्स ओके, आपने पूरा दिन फास्ट कर लिया। सो फास्टिंग एक बहुत पावरफुल टूल है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस प्लेयर्स। ये आपके पास सारे एडवांस मेडिकल टूल्स फ्री में अवेलेबल है। यू हैव टू स्टार्ट फास्टिंग। डोंट जज योरसेल्फ, 12 घंटे करो, 13 घंटे करो, फैट फास्टिंग करो, धीरे धीरे करो, एक्सपेरिमेंट, सी हाउ यू फील एंड मेक इट एज अ लाइफस्टाइल। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट डू यू वांट टू नो मोर अबाउट फास्टिंग। आई विश यू ऑल अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।